नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही स्मार्ट कोड के बारे में। जी दोस्तों, मैं आपको एक कोड बताने वाला हूं जिस कोड के जरिए से आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी का फ़ोन लिया अपने फ्रेंड का और आप चाह रहे हो कि यार मैं उसकी गैलरी को चेक करूँ, तो जैसे आप गैलरी पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको लॉक पड़ा हुआ मिलता है। और जैसे आप जाते हो मान के चलिए फेसबुक पे और उसको देखना चाहते हो फेसबुक को क्या क्या फ़ोटो अपलोड करता है वो, तो उस पर फेसबुक पर क्लिक करते हो यहाँ पे भी उस पर लॉक मिलता है। उसके बाद आप दोस्तों चाहते हो इंस्टाग्राम चेक करना उसका, तो इंस्टाग्राम पर भी लॉक मिलता है। उसके बाद कहने का मतलब ये है अगर आप यूट्यूब पर भी जाना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर लॉक मिलता है, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे यार। आप चाहोगे कि यार सेटिंग में जाके मैं इस लॉक को हटा दूं, तो आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी लॉक मिलता है। तो यार आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे कि भले ही लॉक लगा हुआ हो फिर भी आप उसकी सारी डिटेल कैसे चेक कर सकते हो, उसके फ़ोटो कैसे देख सकते हो बिना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। मैं आपको यहाँ पे एक कोड बताऊंगा, उस कोड के माध्यम से आप ये सारे काम कर पाओगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर से देखना, सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल टैग चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज को चेक करना है किसी की फोन में, जैसे कि गैलरी में चेक करना है कि यार गैलरी में उसने क्या क्या फोटो वहां पर डाला हुआ है, और जैसे कि फेसबुक पे जाना है तो यहाँ पर भी लॉक है मगर आप नहीं जा पाते हो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को इसको पूरा देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यार क्रोम पर लगा हुआ होता लॉक, तो दोस्तों यार क्रोम पर लॉक लगा कोई नहीं लगा रखता है क्रोम पे लॉक यार। तो क्रोम पे आप चले जाइए जो कि एक ब्राउजर है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है फाइल और दो ये बिंदी सी हैं ये यहाँ पे लगानी है, स्लैश लगाना है sd card/, यहाँ पे इसे टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप इसे सर्च करोगे टाइप करने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ DCIM, जो कि मतलब कोई फ़ोन से फ़ोटो खींचता है तो वो इसी वाले ऑप्शन में आती हैं। इसके बाद मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कैमरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला फ़ोटो है, तो ये वाला फ़ोटो देख लीजिए ये वाला है। यानी कि आप यार बहुत कुछ चेक कर सकते हो उसके फ़ोन में कौन कौन से फ़ोटो पड़े हुए हैं, तो आप चेक कर पाओगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इस फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ तो इस फ़ोटो को भी आप यहाँ पर देख पाओगे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस फोटो पे, तो इस फोटो को भी आप यहाँ पे देख पाओगे, मतलब आप उसकी पूरे फोटो चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो कि यार उसने कौन कौन से स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा बैक जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पिक्सआर्ट पे, यहाँ पर देख लीजिए। और पिक्सआर्ट पर क्लिक करने के बाद कैमरा इस पर मैं क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये नहीं खुल रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा है, खुल गया था वो उसमें जो भी था वो खुल गया था अभी। तो इसके बाद मैं यहाँ से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद दोस्तों और आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस वाली इमेज पर, तो आप देख सकते हो। मगर दोस्तों आप गैलरी में से जाके नहीं देख पाते क्योंकि गैलरी पर लॉक पड़ा हुआ है। दोस्तों आप मैं आपको बता दूँ एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने क्रोम पे लॉक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ये वाला जो कोड मैंने बताया है अगर ये किसी को भी पता होगा तो वो आपके जो ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र उसमें डाल के आपकी सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकता है और यार मतलब सब कुछ चोरी करके देख सकता है। तो आप क्रोम पर भी लॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर वाली बटन आ रही होगी, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन करना, और आप हमारी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड के साथ, व्हाट्सएप सभी ग्रुप में एटलीस्ट सभी को पता तो चल जाए कि यार ऐसा होता है, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कोड आपको पहले से पता था या नहीं पता था। तो मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।